हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने जीरे के पैकेट मंगाया था तो वो मैं भरने जा रही थी। साथ में मैंने मटर निकाली है क्योंकि दिन के चावल रखे हुए थे और इस टाइम वो दिन के बचे हुए ये खाते नहीं है, कोई भी नहीं खाएगा। तो बचे हुए फिर क्या है कि अगर फ्राई कर लो चावल तो वो खप जाते हैं, सबको ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो मटर रखी, और जब मटर रखी होती है तो फिर चावल तलने का मन भी कराता है, तो इसलिए मैंने अभी ये मटर छीली है। आयान को मटर छीलना बहुत पसंद है, और साथ में मैंने टमाटर वगैरह काट लिया है सब कुछ। और साथ में भगोने में मैंने अभी दिखाया होगा शुरू में बार्ली का पानी रखा था उबलने के लिए, क्योंकि आज मैंने दिन में नहीं पकाया था तो अभी रख दिया था, तो वो भी हो रहा था एक साइड में। और इससे मैंने प्याज मांगी थी, तो ये देखिए एक की जगह बहुत सारी प्याज मुझे दे गया है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, मटर सब कुछ काट लिया है। और मेन चीज़ जो चावल है, मैं वैसे पकाती हूँ ना पानी में खोले, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई करके। पापा बाथरूम से बाहर आएंगे, हम शिकायत कर देंगे, पिटवा देंगे कि ये फ्रिज के ऊपर से रिमोट निकाल रहा था। निकाल लिया? ठीक है, अब पिटने के लिए तैयार रहना, हम तो बताएंगे। अम्मा नहीं बताएगा प्लीज। बताएंगे क्यों निकाला, अभी मना किया गया था टीवी ऑन करने को। चलो भागो यहाँ से। वैसे तो इस टाइम मैं चावल नहीं खा रही हूँ, लेकिन कभी कभार नहीं मन मानता है, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन ये फ्राई वाले तो मैं खा लूँगी। और वैसे भी अगर दिन में मैं थोड़ा बहुत खा लेती तो फिर नहीं बचते इतने ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा चावल ज़्यादा बच गया था। वैसे मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप ब्राउन राइस खा सकते हो, वो आप मतलब वो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन ये वाले नुकसान करेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो फिर हर मतलब सब कुछ खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर, प्याज ये सब कुछ डाल दिया है, और उसके बाद में ये देखिए एकदम खिले खिले चावल बनते हैं, क्योंकि ये बिना कुकर के बनाए हुए हैं। और ये चावल सच में बहुत अच्छे लगते हैं अगर बचे हुए ऐसे तल लो ना, मटर वगैरह अच्छे से डाल के खूब, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ में अभी मैंने सोचा था चावल काफ़ी हो गए, ये कह रहे थे नहीं कुछ और बना लो, तो मैंने थोड़ी सी दाल भी रख दी थी क्योंकि सब्जी बची हुई रखी थी, लेकिन चावल ही बहुत हो गया था, तो थोड़ी सी दाल भी हो गई थी, तो मैंने एक आध रोटी भी सेक दी थी। तो हमको मैंने ये वीडियो शूट किया था, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और ये देखिए मैं निकाली मैंने मेथी। मेथी इतनी बड़ी बड़ी थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो अभी मैंने इसको दूध दिया है पीने के लिए सुबह के टाइम, और ये नाश्ता कर लिया था उसने, तो नाश्ते की प्लेट उठा के लाई हूँ इसकी। तो मैं बोल रही थी इतनी बड़ी बड़ी मेथी क्यों ले, हो सकता है इस टाइम पर बड़ी बड़ी आ रही हो, जैसे जानवरों को खिलाने वाला चारा नहीं आता है बड़ा बड़ा, इतनी बड़ी बड़ी ले आया। मैंने कहा उसको तो तोड़ने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, छोटी छोटी आती है वो जल्दी हो जाती है। तो अभी मैंने इसको पूरा साफ़ किया है मेथी को, और देख सकते हैं साफ़ करने के बाद जितनी मेथी नहीं निकली है उससे ज़्यादा कचरा निकला है, तो यही होता है हरी सब्ज़ी के साथ में। तो मैंने कहा इसको ही मैं पहले बना लूँ, क्योंकि जो हरी सब्ज़ी होती है उसी का पहले नंबर लगा दो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने मेथी काट ली है, तो मैं बनाऊँगी मेथी आलू की सब्ज़ी। सुबह सुबह के छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं छोटे छोटे सारे मेरे होते हैं, लाइक पानी गर्म करना एंड बेड लगाना, बेड हटाना है। रमा जी अपने वेश में अभी आई नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनी है अभी, लेकिन छोटे मोटे काम में देखता हूँ कि बहुत हो जाते हैं, कभी को लगता है इससे बढ़िया मैं खाने बना लिया करूँ। रमा तुम कम काम करती हो यार, फिर रमा के भी ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, अरे वहां से बोले आना, अरे वहां से बोले आना। क्या बन गए हो ये सुपरमैन? खुद ही कह रहा है सुपर, ऐसे होते हैं सुपरमैन, ऐसे होते हैं सुपरमैन, तो उड़ के दिखाओ। चट्टी तो पहनो ऊपर, सुपरमैन तो ऊपर चट्टी पहनता है। उड़ के दिखाओ। अरे ऊपर आ गए, ऊपर आ गए, हम गाड़ी पर लद देंगे। इतना हल्के हो गए हो कि उड़ भी जाओगे। जल्दी हो जाएगा, फिर बाथरूम में लगानी पड़ेगी बाल्टी।
और ये भी आ गए थे नहा धो के, तो ये पानी भी रखा है मेरा नहाने का गर्म होने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मैं थोड़ा सा जो हल्का गुनगुना सा गर्म सा पानी होता है उसी से नहाती हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ा सा बॉडी में भी रिलैक्स रहता है, जैसे बॉडी पेन वगैरह रहती है तो ठंडे पानी से ना नहाओ सुबह तो ठीक रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा गर्म करवा लेती हूँ और उसी में से आयान को नहला देती हूँ। मेरे दो काम हो जाते हैं, उसी में थोड़ा सा आयान को पहले नहला देती हूँ, तो जो बचता है उसमें से मैं नहा लेती हूँ, तो ऐसा ही मेरा रूटीन रहता है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए आलू मेथी की सब्जी छौंक दी है, साथ में बनाऊंगी दाल क्योंकि सूखी सब्जी बनाई है, तो फिर दाल भी बनाऊंगी इसके साथ ही साथ। और आप में से कोई मुझसे कह रहा था कि दाल में मेथी डाल के बनाओ तो अच्छा लगेगा, मैं दाल में पालक डाल के तो बनाती हूँ लेकिन मेथी डाल के नहीं बनाया। तो यहाँ पर मैंने दाल भी धो के डाल दी है, इसमें हरी मिर्च टमाटर ये सब कुछ डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं पतली दाल बनाती हूँ क्योंकि मैं अपने लिए पतली पतली मतलब जो भी चीज़ होती है पानी वाली ज़्यादातर यूज़ करती हूँ तो अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैंने आलू मेथी की सब्जी छौंक दी है, साथ में दाल रख दी है, साथ में चावल रख दिया है, आटा भी लगा दिया है, और फिर खाना बस सेकने को रह गया था। हम खोल देंगे मेरे पास बहुत ताकत है। हाँ पापा? हाँ सही ताकत है। हम निकल सकते हैं ना? जल्दी लाओ। तो इसमें दोस्तों मेरे लिए कुछ मंगाया गया है क्योंकि मुझे काफी दिन से जरूरत थी इसकी और प्रॉब्लम होती थी मुझे लेटने में, तो इन्होंने कुछ मंगाया है मेरे लिए, अब देखते हैं इसके अंदर कैसा निकलता है क्या है। तो ये जा रहे हैं इसको ओपन करने के लिए क्योंकि मैं इनसे काफ़ी दिन से कह रही थी इसको मंगा दो क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत भी थी काफ़ी, क्योंकि मुझे सोने में दिक्कत होती थी तो मैं इनसे बोलती रहती थी, तो फाइनली इन्होंने मंगा दी है। और क्योंकि इससे क्या है कि आपको एक सपोर्ट रहता है इस टाइम पे सोने वगैरह में, तो ये कोई वैसे स्पॉन्सर नहीं है, मतलब इन्होंने ऑर्डर करके ही मंगाई है अपने लिए, मुझसे ज़्यादा तो अयान भी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे तो ये लगाने को मिली नहीं, अयान ही इसको लगाए लगाए घूमता रहा है, वही इसको लगा के सोता है, मतलब वो लड़ जाता है ले जाता है, तो मैंने कही देखिए आपकी बॉडी को सपोर्ट मिल जाता है सोने में, इसलिए मैंने इसको मंगाया है कि आप इसको इस तरीके से लगा लो। तीन रातें तेरे को सीखने में चली जाएंगी कैसे लेटना। अरे तूने उल्टा लगाया है, वो टांगों के बीच फंसाया जाता है तेरे को, इतना भी तो नहीं समझ में आता तेरे को, वो तकिया वो ऊपर तकिया तुम्हारी अलग लगेगी, उसको टांगों के बीच में फंसाओ, ऐसे नहीं फंसाते हैं उसको, उल्टा लगाओ उसको, फंसाओ दोनों टांगों में उधर से, वो ऊपर वाला जो टी पोर्शन है ना क्या है उसको जो ऊपर जो है, तुमसे ज्यादा तो मेरे को ही आइडिया है, इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 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 करो, अब फंसाओ दोनों दोनों टांगों के बीच में, बीच में डालो, हाँ ऐसे ये होता है उसका, नहीं हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, हाँ अब वो एक कमर में लग जाएगा उधर, ऐसे ऐसे हाँ हाँ ऐसे ही होता है, बाकी सब ये फालतू चीज है यार। कंफर्टेबल लग रहा है तुम्हें? मुझे लग रहा है पीछे यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, इधर पेट में इधर सपोर्ट मिल रहा है, पैर में इधर सपोर्ट मिल रहा है। तो वो तो तुम वैसे भी चार तक यूज करती थी पहले भी, फिर तो दोस्तों मुझे क्या था कि कई सारी पिलो यूज करती, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे थे तो मैंने कहा यहाँ कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च, नहीं मैं इनकी सारी पिलो ले लेती थी एक सर पे पैर पे, नहीं फिर जब कोई पिलो नहीं बचती थी तो सर के नीचे मैं अपना स्वेटर लगाती थी, एक इधर पिलो एक इधर पिलो, और फिर सर के नीचे कोई पिलो नहीं बचती थी स्वेटर लगाना पड़ता था, तो इसलिए मुझे ये मैंने बहुत देखा था नेट पे कि ये ऐसी पिलो आती है प्रेगनेंसी के लिए जो काफी कंफर्टेबल रहती है, छोटे बच्चे मंगा के देखती हूँ, बड़े लोग कैसे आएंगे, टाइम पे मुझे सपोर्ट की थोड़ा जरूरत भी पड़ रही थी, दर्द होता था कमर में, ठीक है सही चीज है सही चीज है, और ये बाद में भी काम आएगी आपको ना, फीडिंग वगैरह में भी इसको ऐसे टिका के बैठ सकते हो, जैसे बैठना है सिटिंग में प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे, तो आपके बाद में भी काम आ जाएगी, तो इस पर्पज से मैंने मंगाई है, और इसलिए थोड़ा सा लेट मंगाई है क्योंकि अब इसकी खास जरूरत है। इसमें एक फायदा ये है कि पिलो संभालनी नहीं पड़ेगी, मतलब इधर से उधर गिरेगी नहीं पिलो, अच्छा है इसलिए।
और बाकी अभी देखना ये है कि कितने दिन ये यूज़ कर पाती हैं। मुझे लग नहीं रहा कि इनके जिस तरह से ये लेट रही हैं, पहन रही हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये एक दिन या दो दिन से भी ज़्यादा, दो दिन से भी ज़्यादा यूज़ होना है। तुम्हारी अभी सब ये सब कोने पड़ा हुआ, मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं रात में तो यूज करूंगी, और सारी पिलो नहीं लगानी पड़ेगी ना, बहुत सारी इधर खिसक जाती हैं, कई बार मेरी पिलो नीचे मिलती है पड़ी। सब लगेंगी पिलो देखना। ये कह रहे हैं फिजूल में मंगा ली है, मैं मन कर रहा रिटर्न रिटर्न कर दूं। इनफैक्ट मैंने इसमें ब्लू कलर सिलेक्ट किया था, लेकिन मेरे पास ना उसमें दो ही ऑप्शन थे, फिर पता नहीं येलो या ऑर्डर हो गया, मुझसे येलो आ गया, दो कलर थे उसमें, येलो और स्काई ब्लू। लेकिन मुझे वास्तव में सपोर्ट तो मिल रहा है यहाँ पे, जो मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता था ना यहाँ पे, ये पर तुमने अच्छा विषय लगाया है। मेरे ख्याल से ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगेगा तब तो पैर में आएगी ऐसा, तभी तो दोनों तरफ आएगा। तो मैं वॉशरूम के लिए बाहर उठना तब इनको खा ले जाऊंगी। तो क्या हुआ, पिलो को लेके जाती हूँ साथ में, सारी चारों चारों पिलो को है। लेकिन सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रख पाऊंगी ऐसा लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, मैं बोला ना कि ये एक दो दिन यूज हो जाए। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि अगर जो लोग आया है तो तुम्हारे लिए काम करे। नहीं नहीं, रिलैक्स तो मिल रहा है, दर्द कम हो रहा है कमर का, ये कमर में जो सपोर्ट नहीं मिलता था ना, ये कमर में गैप रहता है ना, फिर लोग खिसक जाती है, वो चीज ये कवर कर पा रहा है, और यहाँ से इसको कवर कर पा रहा है। राइट राइट, सो देखते हैं कि कितने दिन ये यूज करती है। एंड चलिए गुड नाइट आप सभी को, गुड नाइट बोल दो भाई। मैंने अपना लुक नहीं देखा है शीशे में, कैसा लग रहा है, तुमने वीडियो बना दिया कर लिया नहीं। दिखाने के लिए वीडियो बनाती हो क्या? और क्या, आजकल दोस्तों ऐसे ही हो गया कि मैं मिरर देखती ही नहीं हूँ।